भाई आपको स्नीकर बताओ जो कि अच्छा भी हो और बजट में भी आ जाए। अच्छा हाँ, और बढ़िया भी। हाँ तो ये ले। ये कौन से शू है? ये है स्पार्क्स का 734, जो कि आजकल इस टाइम पे ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, और इसके पॉपुलर होने की वजह है इसका बजट फ्रेंडली प्राइस, जो कि आ जाता है सिर्फ 849 रुपीज में। इतने सस्ते, क्वालिटी और कंफर्टेबल तो है ना। एक काम कर, उसके लिए तू ये वीडियो देख, बजट फैशन। तो यार ये है स्पार्क्स के SL734 शू, और इस वीडियो में देखेंगे ये अपनी हाइप के वर्थ इट है भी या नहीं। तो सबसे पहले पैकिंग की बात करूं तो यार काफी अच्छे डब्बे में पैक होके आए थे, ठीक है। इस बार डब्बा टूटा हुआ भी नहीं था, और जो शू है अंदर से पूरा पैक्ड होके आया था, ताकि आपका धूल मिट्टी में बिल्कुल भी खराब ना हो। मैं इसको निकाल देता हूं, ठीक है। अगर आप अंदर की तरफ भी देखेंगे, आपको एक स्टिक देखने को मिल जाती है, जिससे आपका शू प्रेस ना हो जाए, कहीं से फोल्ड ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट लुक की बात करूं ना, तो व्हाइट कलर में आपको देखने को मिल जाता है ये शू, और ये दूसरे एक ब्लैक कलर में भी आता है, ठीक है। अगर आप इस शू में देखेंगे ना, तो ये जो व्हाइट कलर है इसमें थोड़ी सी ब्लू टिंट भी ऐड कर दी गई है, जिससे आपका शू लॉन्ग टर्म तक थोड़ा चमकता रहता है, व्हाइट एकदम गंदा हो जाता है जल्दी, तो थोड़ा सा ब्लू टिंट भी ऐड करा गया है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे। ब्रांडिंग की बात करो तो काफी जगह इसकी ब्रांडिंग करी है, मगर सटल ब्रांडिंग है, ऐसे कोई बड़ा सा लिखा नहीं है। देख सकते हो आप, टंग में लिखा हुआ है, साइड में एक एक्स का निशान बना हुआ है जो अचारक जैसा है थोड़ा, ठीक है। और स्पार्क्स लिखा हुआ है नीचे आउटसोल में, और पीछे की तरफ भी आपको एक स्पार्क्स देखने को मिल जाता है, ठीक है, जो इसके ग्रिप है उसके नीचे। अगर डिजाइन और मटेरियल की बात करूं तो अपर में आपको एक डॉटेड डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो बना हुआ है सिंथेटिक लेदर से, ठीक है। इसके मटेरियल की बात करूं, एग्जैक्ट तो पीयू मटेरियल का यूज किया गया है, जिसका काम होता है आपके शू को ड्यूरेबल प्लस लाइट वेट बनाना, क्योंकि काफी अच्छा है, एकदम लाइट वेट फील होता है हाथ में। जब आप इसको पहनोगे भी तो आपको बिल्कुल भी वेट फील होने नहीं वाला है, काफी अच्छा लाइट वेट शू है। तो अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक स्ट्रिप दी गई है व्हाइट की, जो कि सेम सिंथेटिक मटेरियल से बनी हुई है, तो मेरे को कंटिन्यूटी तो इसकी अच्छी लग रही थी, मगर यहाँ पे ये ब्रेक हो जाती है कंटिन्यूटी, जो कि स्टिचिंग दी गई है वो अच्छा नहीं लगता मेरे को। बाकी अगर ये पूरा कंटिन्यूटी में होता तो काफी अच्छा लगता। और अगर इसकी स्टिचिंग की बात भी करूँ ना, स्टिचिंग काफी अच्छी करी गई है, एकदम प्रीमियम लुक देती है आपको स्टिचिंग, कहीं से भी एक एक्स्ट्रा धागा नहीं निकला हुआ, काफी अच्छी स्टिचिंग है इसकी। तो लेसेस टाई अप करने के लिए आपको ये मेटल होल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आईलेट्स, ठीक है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। जब आप अपने लेसेस को टाइट करते हो, ये मटेरियल को एकदम पकड़ के रखते हैं और फटने भी नहीं देते, ठीक है। अगर इसके लेसेस भी देखोगे, ये लेसेस भी काफी अच्छी क्वालिटी के कॉटन में है, ठीक है, जिसको आप निकाल के अपना वॉशिंग मशीन में डाल के या कपड़ों के साथ धो सकते हो। अगर टंग और कॉलर देखोगे तो काफी अच्छी थिक कुशनिंग दी गई है, ठीक है, और एंकल के पास तो काफी अच्छी कुशनिंग है। पीछे की तरफ से आपको पैच भी लगा के दिया है, जिससे आपके एंकल को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है, प्लस जब आप अपना फुट इसके अंदर डालते हैं, आपको एक काफी अच्छा कंफर्टेबल फील आने वाला है, क्योंकि अंदर से भी पूरी कुशनिंग करी गई है, थोड़ा भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होने वाला इन शू में। इंसोल की बात करूँ तो आपको कोई स्पेशल फॉर्म प्रोवाइड नहीं किया गया, वही जो बेसिक से बजट फ्रेंडली शू में आता है वही आपको प्रोवाइड किया गया, जो कि काफी अच्छी है, इतना हाई एंड भी नहीं है और इतना बेकार भी नहीं है, काफी अच्छा है, ठीक है। चलते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कंफर्टेबल फील रहेगा। आउटसोल आपको पूरा रबर का देखने को मिल जाता है, जिसमें यूज किया गया पीवीसी मटेरियल। अगर आप इसको बेंड करते हो ना, तो आपको कहीं भी रिंकल के ट्रेसेस देखने को मिलेंगे, काफी अच्छा मटेरियल है इसका, ठीक है। जब मैं इसको बेंड भी कर रहा था, बिल्कुल भी रिंकल नहीं दिख रहे थे, थोड़ी देर में गायब हो जा रहे थे, तो ड्यूरेबल भी है ये, काफी अच्छा। अगर इसके नीचे ग्रिप्स की बात करूँ तो काफी अलग डिजाइन देखने को मिल जाता है, जैसे एक पूमा के जो बजट फ्रेंडली वाले शू आते हैं ना, उनकी जैसा डिजाइन देखने को मिल जाता है। डिफरेंट डिजाइन में आपको ग्रिप प्रोवाइड करिए, जो कि काफी अच्छा ट्रैक्शन बना के रखता है, प्लस जो इसका रबर है आपको हेल्प करता है, अगर आप वाटर सर्फेस में कोई स्लिपरी सर्फेस हो उसमें भी आपको अच्छा खासा ग्रिप मिल जाता है। बाकी ओवरऑल शू की बात करूँ तो इस शू को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे जिम हो गया, कहीं रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, और किसी ओकेजन पे जा रहे हो लाइक पार्टी, तो उसमें भी पहन सकते हो। ऐसे नकली या शू नहीं लगता है, सस्ता शू लगता ही नहीं है। तो यार कंफर्टेबल फिटिंग के साथ आपको बजट प्राइस में ये काफी अच्छी प्रीमियम फील दे देता है। तो आपका कोई भी साइज है ना शू का, तो आप एग्जैक्ट वो ही मंगाओ, क्योंकि मेरे को साइज मंगाया था मैंने 9 नंबर, जो कि काफी फिट आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना आपका नंबर है उतना ही मंगाओ, काफी अच्छा फिट आने वाला है आपको। तो बस यार वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कहते, अगर आपको ये 800 रुपए के प्राइस रेंज में मिल रहा है ना, कभी कभार तो सेल में 700 रुपए का भी हो जाता है, तो आप डेफिनेटली लो इस शू को, काफी अच्छा शू है, ठीक है, अपने प्राइस के टोटली वर्थ इट है। प्लस अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई तो लाइक कर देना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपके ओपिनियन क्या है शू के बारे में। प्लस ये आपको ब्लैक और व्हाइट कलर दोनों में अवेलेबल है, अगर आपको पसंद आ रहे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हो। थैंक यू।